कभी उसके मन में ये ख्याल जरूर आएगा, मेरे को दूसरी शादी करनी है। सच में कंग्रेचुलेशन यार, कब से चल रहा है? कौन है, कहाँ है, कहाँ की है, बताओ तो। मैं यही सोच रही हूँ कि जो मिलेगा उसको पटा डालूंगी, रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, गोलगप्पे वाला, जो मिलेगा सब मस्त एकदम बिंदास। चिंता की कोई बात नहीं, तुम शादी करो, खुश रहो, मेरी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बात मस्त रहो। और क्या करिए, फेरी वाले से, ठेले वाले से, सब्जी वाले से सबको बताएगी, सबको पटाऊंगी, यानी यानी पटाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज रंजना पर मैं प्रैंक करने जा रहा हूँ। कौन सा प्रैंक? सेकंड मैरिज प्रैंक। क्योंकि जब नए घर में एक बार तो सेकंड मैरिज प्रैंक बनता है, क्योंकि वो बंदी जरूर ही सोचेगी कि हाँ भाई, इसने नई बंदी पटा ली शादी करने के लिए, क्योंकि उसके मन में ये ख्याल जरूर आएगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं, रंजना बाहर सोफे पे बैठी है, करते हैं रंजना पर सेकंड मैरिज प्रैंक ऑन 5। ठीक है, चलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर तो फॉलो जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के एंड में। सुनो अंजना, हाँ मैं ना बहुत दिन से तुमसे कोई बात शेयर करना चाह रहा था, बोलो। पर बात शेयर कर तो दूं, पर हस्बैंड वाइफ में बात ना बिल्कुल एकदम साफ होनी चाहिए, छुपनी नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात नहीं छुपनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब अरे गमार आदमी, बिल्कुल आर पार होनी चाहिए, मतलब एकदम क्लियर। पारदर्शी, हाँ मैं गमार पारदर्शी। आदमी, तुम ज्यादा अंग्रेज, हाँ यही तो बोलिए, और पारदर्शी। जब पता था तो क्यों पूरे बोल रहे थे, फिर ऐसे वर्ड कहने बोला का करो जिसकी मीनिंग तुम्हें बताओ। अब बोलोगे क्या बोल रहे थे? अरे देखो, कैसे बताऊं यार तुम्हें, तो क्या हो गया, उंगली में बस कुछ हो गया क्या? उंगली में कुछ नहीं हो गया मेरे। अरे क्या हो गया, बोलो जल्दी से, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। यार तुम ना, क्या है मेरे को दूसरी शादी करनी है। ये? सच में कंग्रेचुलेशन यार, कब से चल रहा है? कौन है, कहाँ है, कहाँ की है, कुछ बताओ तो। हाँ ये क्या है? प्रपोज वगैरह कर दी? घर वालों से बात कर ली उसके? सब सेटिंग है, पक्का राजी है, एग्री है? कंचा होगी बिल्कुल। अरे फर्स्ट ही चॉइस इतनी कंचा है तो सेकंड चॉइस तो होगी अच्छी है कि नहीं? सही। और शादी वादी की बात फिक्स? हाँ, रिंग वगैरह उसके लिए पसंद करवा दी उसको? सही में मुझे बस तुमसे नहीं। बात करनी रह गई थी, बस मैं पूछ रहा था तुम बोलो। राजी हो तो। क्योंकि अरे मैं राजी क्यों नहीं होंगी? तो देखो, आप घर तो बढ़ा दो, शादी दो, और तो रह सकती हैं दो बीवियां। हाँ बहुत तो रह सकते हैं इसमें तो, दो क्यों? देखो तीन कमरे हैं, कितने लोग भी आराम से रहे, कोई बात नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि पूरा लड़की के घर वालों को यहाँ पे बुला लेना, शादी कर लेना, एक कमरे में तुम्हारा हनीमून हो जाएगा, एक कमरे में तुम्हारे ससुर जी रह जाएंगे, एक कमरे में और जितने लोग हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, और जो बच्चे वो हॉल में सो जाएंगे। तुम नहीं रहोगी? मैं भी, मेरी चिंता नहीं करो, तुम अपनी बताओ। और बताओ, शेरवानी वेरवानी का नाप ले लिया? ठीक है चलो बढ़िया। अच्छा ये तुम्हें बताओ, कोई दिक्कत नहीं हो रही? अरे क्या दिक्कत? अरे यार जिंदगी ऐसी चलती है, ठीक है ना, चलती के नाम गाड़ी, किसी की वजह से गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, चलते रहना मैं चाहिए। दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैं अरे सुन लिया, उसी की मैंने इजाजत ले रहा कह हूँ रही नहीं तुमसे। तो मैं। अरे दूसरी शादी बात कर रहा हूँ, कुछ होश में हो। हाँ सब होश में हूँ मैं, सब तो समझ, ओके, ओके यार बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत, मस्त रहना चाहिए लाइफ में, जिंदगी चलती रहनी चाहिए बस। वाह तुम्हें दीदी, वाह दीदी। अच्छा एक बात बताओ कि मेरी तरफ से कोई सेवा पानी में जो भी कोई दिक्कत तुम्हें, खान मतलब जैसे खाना वाना बनाने में कोई दिक्कत, मतलब मैं खाना बनाती हूँ उसमें कोई दिक्कत तुम्हें, खाना वाने टेस्ट वगैरह में कि मैं अच्छा नहीं बनाती? बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बढ़िया। अच्छा तुम्हारा बच्चा पालने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं तो बहुत अच्छा तरीके से पाला बच्चों को। अच्छा चलो उसमें भी दिक्कत नहीं है, और रोमांस में कोई दिक्कत? रोमांस में तो तुम चैंपियन हो। थैंक यू। तो फिर जब कोई दिक्कत नहीं है तो वो दूसरी शादी कर क्यों रहे हो?
देखो दिक्कत नहीं, तुम्हारी सेवा पाने में कोई दिक्कत हो तो बता दो, तुम्हारी सेवा में तो फिर क्यों दूसरी शादी कर रहे हो? मेरे ही अंदर ठरक, तुम्हारे अंदर ठरक, और ठरक तो मैं जानती हूँ, तो बहुत जो होता है ठरक भरा हुआ है। तो फिर ठीक है, चलो फिर शादी फिर मैं कर लूंगा ना, बिल्कुल डिसाइड कर लूँ ना, बिल्कुल एकदम। तुम भी फ्री, मैं भी फ्री, मैं भी मस्त, तुम अपनी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी, मैं भी अपनी पुरानी लिस्ट निकालती हूँ। आएगी? अरे यार, मैं मेरी फ्रेंड है ना, हम लोगों ने ना कॉलेज टाइम में 40-50 लोगों को ग्रुप जो था उसे ऐड किया था, 40-50 लड़के थे, उसमें देखना है कि कितने लड़के शादी शुदा है, कितने लड़के शादी शुदा नहीं है। तो उसका क्या करोगे? अरे जो नहीं शादी शुदा होंगे उनको पता करेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको पर मतलब चैटिंग शुरू करी जाएगी, बातचीत शुरू करेंगे। मेरी बिज्जत नहीं होगी? हाँ जी, बदल लिया साला। तुम्हारी ये बिज्जत हो रही है? तुम तो शादी कर रहे हो ना, तुम शादी करो, मैं अपना तो संग में रख रहा हूँ ना। बहुत तेज हो रहे हो है, तुम शादी कर रहे हो, तुम मस्त रहो मेरी जिंदगी, मुझे अपनी तरह से ना, तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जियो। मैं तो दूसरी तो कर रहा हूँ, तुम तो 40-50। मैं 40-50 से शादी थोड़ी नहीं कर रही, पता थोड़ी ना 40-50 में कितने जिंदा है कितने मर गए, और जो जिंदा है वो कहाँ है, शादी सुना है, घर शादी सुना है, सबको बुलाऊंगी, सबके साथ डेट शेट मस्त। नहीं नहीं ऐसा हम बिल्कुल मत करना, एक दिन में 3-3 डेट होंगी, कम से कम 10, हाँ कम से कम 10 लोगों को तो एक दिन में निपटा ही देंगे डेटिंग शेटिंग करके। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जो मिलेगा उसको पटा डालू, मिलेगा उसको पटा डालू। ये क्या बात करता है यार, रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, गोलगप्पे वाला, जो मिलेगा सब। ये फंस गया मास्ट एकदम बिंदा, चिंता की कोई बात नहीं, तुम शादी करो, खुश रहो, मेरी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस मस्त रहो, ठीक है? बेइज्जती हो जाएगी मेरी, ठीक है? वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेइज्जती हो। तुम करोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, मैं करूंगी तो मेरी तरफ से बेइज्जती हो जाएगी। क्यों मैं करूं तो बेइज्जती हो जाएगी? मैं दूसरी जो शादी कर रहा हूँ वो इसी घर में लेके आ रहा हूँ, तुमको भी इसी घर में रख रहा हूँ, तुम जिनसे सेटिंग कर रहे हो उनको लेके आ सकती हो घर में? हाँ मैं ला लूंगी, कोई ऐसा हो जो बेघर हो उसको ले आऊंगी, घर में रख लूंगी, ठीक है? तुम्हें अग्री हो, तुम्हारा घर है, तुम अगर बोल दोगे तो ले आएंगे घर पे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब है? और तुम्हारा क्या? मेरा दूसरी लड़की पसंद कर ली, शादी तो अभी तो खूब अच्छे से मान गई थी, शादी की डेट भी निकलवा ली, रिंग तक पसंद कर ली, सब काम कर लिए, फिर उसके बाद क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी लाइफ जो, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, छोड़ो यार मस्त रहो, तुम अपनी शादी वादी की तैयारी करो, मैं शादी पे जम के नाचूंगी मैं। सही खेल गया बहन, ठीक है मस्त एकदम बिंदास। देख ऐसा है, मैं तो कर रहा था प्रैंक, पर तेरे मन की पसंद में आ गई, ठीक है? कि तू मतलब तू कॉलेज टाइम में तेरे 50-40-50 लड़कों का व्हाट्सएप ग्रुप था, है उनका बुढ़ापे में गर्लफ्रेंड बना सकती हूँ मैं, तुझे नहीं नहीं बना सकती मैं, ये बात तो तब जवान थी हैं, तो 40-50 लड़कों का ग्रुप था, और क्या करिए, सफेदी वाले से, ठेले वाले से, सब्जी वाले से सबको पटाएगी, सबको पटाऊंगी, यानी पटाऊंगी, यानी मान के चल तेरा मेरा अगर डिवोर्स हो जाए, कुछ हो जाए, तो तू तो मतलब नंबर वन की चिचोरी औरत बन जाएगी। पर डिवोर्स और आज डिवोर्स होगा तो पक्का पकड़ पटाऊंगी मैं तुम्हारी इज्जत जुटाने के लिए, ठीक है ना? भाई मैं प्रैंक कर रहा था, कमीनी, मैं प्रैंक कर रहा था। मुझे पता है कि प्रैंक कर रहे हो, ठीक है, मतलब पता है, तो इसीलिए इतना मतलब गंदा गंदा बोली। हाँ इसीलिए इतना गंदा गंदा बोली, तुम बोलो तो कुछ नहीं है, कर लो प्रैंक, खुद प्रैंक करो तो मतलब कुछ भी प्रैंक कर लोगे, तो पता मतलब इसलिए चल गया, पोपट हो गया तुम्हारे प्रैंक, बैठ जाओ, मतलब सेकंड मैरिज प्रैंक बहुत बार कर चुका हूँ इसीलिए, प्रैंक ऑन फेल हो गया तुम्हारा, अब चलो लिख लो यहाँ से, कहाँ लगा रखा है कैमरा अपना, निकालो कैमरा और भागो यहाँ से। अरे इंटर करते हुए देख लिया था यार मैं तुम्हें, हाँ हाँ समझ में आ गया, करेंगे दूसरी शादी, पर बंदा भी बंदा कितना चिढ़ता है बताओ, अपनी कुछ भी प्रैंक, और मैंने कुछ बोल दिया तो कितनी जल्दी चिढ़ लग गई, नेट क्या दोस्तों, कोई बात नहीं प्रैंक, दोस्तों कोई बात नहीं, प्रैंक भले ही फेल हो गया हो, पर भाई आपका जो भाई है वो ट्राई हमेशा करता रहेगा प्रैंक करने के लिए, ठीक है? मेरी दो आंखें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, कोई दो पैगु चार आंखें, ठीक है फ्रेंड? चलो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, प्रैंक ऑन फेल भले ही है, चलो कोई बात नहीं,
नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर से, और सब्सक्राइब कर देना फेसबुक पे जो है तो फॉलो जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।